नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं जो नवग्रह होते हैं, नौ ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नौ ग्रह होते हैं। आज हम आपको ये जानकारी देंगे कौन सा ग्रह कितने हजार मंत्रों से शांत हो जाता है, और इसी के साथ साथ एक जानकारी हम और भी देंगे कि कौन से कर्म कांड में कितने मनके की माला का जाप करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है और प्रार्थना है और विनती है कि यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञान वर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक पर कि कौन से ग्रह का कितने हजार मंत्रों का जाप करना चाहिए और किस क्रम में कितने मनके की माला का जाप करना चाहिए। सूर्य ग्रह शांति जाप 7000 मंत्रों द्वारा किया जाता है। चंद्रमा ग्रह शांति जाप 11000 मंत्रों द्वारा किया जाता है। मंगल ग्रह शांति जाप 1000 मंत्रों द्वारा किया जाता है। बुध ग्रह शांति जाप 9000 मंत्रों द्वारा किया जाता है। गुरु ग्रह शांति जाप 17000 मंत्रों द्वारा किया जाता है। और शुक्र ग्रह शांति जाप 16000 मंत्रों द्वारा किया जाता है। शनि ग्रह शांति जाप 23000 मंत्रों द्वारा किया जाता है। राहु ग्रह शांति जाप 18000 मंत्रों द्वारा किया जाता है। और केतु ग्रह शांति जाप 17000 मंत्रों द्वारा किया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये तो जानकारी मैंने आपको नवग्रह के बारे में दी है कि कौन सा ग्रह कितने हजार मंत्रों का जप करने से शांत हो जाता है। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि किस क्रम में आपको कितने मनके की माला का जाप करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए 23 मनकों की माला से जाप करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए 30 मनकों की माला से जाप करना चाहिए। और अभी चार कर्म के लिए तंत्र शास्त्र अनुसार 15 मनकों वाली माला से जाप करना चाहिए। सर्वर्था के लिए 108 मनकों वाली माला का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये बहुत ही खास मैंने आपको जानकारी दी है, क्योंकि कुछ बहन भाइयों को ये पता नहीं होता है कि हमें कौन सी ग्रह का कितना जाप करना चाहिए और किस कर्म को करने के लिए हमें कितने मनकों की माला का जाप करना चाहिए। तो ये स्टीक जानकारी मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताई है। दोस्तों, हमारी आशा यही है कि आपको हमारी बताई हुई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना, ताकि हमारी इस जानकारी को हर व्यक्ति प्राप्त कर सके और इस वीडियो से ज्यादा लाभ उठा सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को पंडित राजगुरु शर्मा का जय हिंद, जय भारत।